अस्सलाम वालेकुम सो एक बहुत छोटी सी ब्रीफ सी वीडियो में करूँगा वेरी वैस्ट सब्जेक्ट और इसमें बहुत ज्यादा घंटों बात की जा सकती है कि हाउ टू डू अ रिसर्च प्रोजेक्ट तो पहली बात देखो ज्यादातर जो केस रिपोर्ट्स होती है ना दे आर नॉट इवन इनिडर्ड प्रॉपर रिसर्च रिसर्च का मतलब है कि आपने एक पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जो आप रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हो कि पीछे जाके चार्ट्स देखो या प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो कि आपने 100 200 पेशेंट्स या हज़ारों पेशेंट्स रिक्रूट किए हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हो तो जो प्रॉपर रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें आपको पहले प्रोटोकॉल लिखनी होगी और वो पूरा आप लिखोगे कि आपने करना क्या है अपने लिए वत, आपके लिए बता रहा हूँ कि अपने कोई भी आप स्टडी बना रहे हो राइट कुछ होती हैं रेट्रोस्पेक्टिव के लिए से आप देखना चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल में या खान में डोर टू नीडल टाइम क्या है कि जब पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ और उसको एनजियोप्लास्टी चाहिए तो नीडल तक जब तक प्रोसीजर इनिशिएट होता है उसका टाइम क्या है बहुत से इंस्टीट्यूशन अब डोर टू बेलून टाइम देख रहे हैं तो वो क्या मुझे याद है दिस वॉज अ प्रोजेक्ट है पर्सनली डेट एट एफ आई सी आर्म फोर्सियलॉजी एज अ फैनलीयर स्टूडेंट केज वेरी इंप्रेस्ड के एफ आई सी का जो डोर टू बेलून टाइम था देट वॉज बेटर देन द ट हॉस्पिटल इन द यू एस So, which is very impressive. I never got to publish that. They uh, That's why I'm telling you, right? You don't want to be in this situation. Okay, you're doing research. You put in all the hard work. You do all the data collection, but you're never able to publish it. So, just like in my case report, um,

डिसाइड करोगे कि किस जनों में पब्लिश करना है प्रेफरेबली uh, ज़्यादातर जो पेपर्स पब्लिश होते हैं वो एवेंचुअली तीन से आठ या तीन से दस पेपर्स uh, जर्नल्स से रिजेक्ट होने के बाद पब्लिश होते हैं अनलेस यू हैव सम बिग ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ज़्यादातर आपके जर्नल्स जो पहले दूसरे तीसरे चौथे हैं ना रिजेक्ट करते जाएंगे इट विल और खास तौर पे इसलिए कि आपको भी पता नहीं आप सही पेपर नहीं लिख रहे आप गलतियां कर रहे हो बाद में आपको समझ आ जाएगा अच्छा सारे रिव्यूअर्स एक ही बात कह रहे हैं ग्रामेटिकल तो इश्यूज अच्छा ये एक टेक्निकल है ये सैम्पलिंग एरर था हमारा ये कलेक्शन एरर था इसको like तो अब आते हैं कि भाई अब आपने डिसाइड कर लिया आपका जनल बॉन्स है फिर जैसे मैंने अपना बताया था केस रिपोर्ट्स वाली वीडियो में मेक श्योर यू रीड एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल बुक अच्छी तरह पढ़ी हो आपको इंग्लिश लिखनी इनके तरीके से अच्छी तरह आती हो फिर आप लिखोगे भई जो भी आप लिख रहे हो वो कंसिस्टेंटली लिखो या सारा अमेरिकन इंग्लिश में लिखो या सारा ब्रिटेन इंग्लिश में लिखो फिर आता है कि भाई आप स्टार्ट करोगे मटीरियल्स एंड मैथड्स से मटेरियल्स एंड मैथड्स आप बैठ के लिखो और देखो कि उसमें क्या है उसमें बहुत, uh, है में, of, तो आप जनरल के निकालोगे uh, तो रेडियोलॉजी सो आई वे वी आई आर इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स मैं देखूंगा कि अच्छा मैंने ना ओरिजिनल रिसर्च कैटेगरी में पब्लिश करना है की इंस्ट्रक्शन क्या है मैं उनको पढ़ूंगा उसमें मटीरियल मैथड्स में क्या लिखा हुआ है hypothetical example it shouldn't be more than 400 words not more than a page with a separate section for statistical analysis something like that right so uh, data was collected retrospectively ki, piche jaake dekha, agar, for example there example uh, the inclusion criteria was age of this uh, exclusion criteria was anybody who was coming up with this you know to brief up yes kushli Uh, फिर ये है कि थोड़ा बहुत आप लिखोगे लेट्स से कि भाई इमेजिंग वाज डन यूजिंग दिस मशीन या अगर आपने जो भी अपनी पूरे मेथड्स आप एक्सप्लेन करोगे फिर लास्ट पैराग्राफ में एक सेपरेट हेडिंग्स के साथ दैट्स व्हाट आई डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखोगे कि ऑल दी डाटा वाज कलेक्टेड इन एन एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट और फिर उसके पेपर्स uh, में देख लेना दिखा होता है आई थिंक एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट इज फ्रॉम सियाट्रल तो आपको लिखना होता है सियाट्रल ऑल that. So, um, to compare the means of uh, two samples, we used a pair t-test. Uh, to compare the variance of two samples, we used an f-test uh, or over or whatever. So, I will try to do another uh, video on uh, statistics uh, for medicine. So, hopefully that would help you. ज़्यादातर 90 परसेंट जो रिसर्च होती है ना उसमें वो सिर्फ मीन को कंपेयर करते हैं और जब आप दो पॉपुलेशंस के और जब मीन को कंपेयर करते हैं तो आप पेयर टी टेस्ट यूज़ करते हैं वेरियंट्स को कंपेयर करने के लिए आप एफ टेस्ट यूज़ कर सकते हो और एनोवा जो कि अगर आपके दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं फिर वेरिएबल्स की टाइप होती है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे लेकिन अगेन मतलब दिस स्टैटिस्टिक्स इज अ अंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट और उस पे आई विल ट्राई टू डू वीडियो सम अदर टाइम तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही करनी है बिफोर यू इवन स्टार्ट डूइंग द प्रोजेक्ट मटीरियल एंड मैथड्स लिख लो और अब ये एक बात याद रखो कि उसमें चेंज कुछ नहीं करना ठीक है वो लिखी गई है फाइनल हो गई है बहुत टाइम लगाओ बहुत मेहनत करो जो करना है ना उस पर कर दो बाद में वापस नहीं आना क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होगी आपने अपना जनरल डिसाइड कर लिया था कि मैंने इसमें करना है मटेरियल्स एंड मेथड्स आपने बिल्कुल उस चैनल के मुताबिक रखी हैं अब आपने डाटा कलेक्शन शुरू किया है डाटा कलेक्शन से पहले आपने एक्सेल की जो स्प्रेडशीट बनाई है जिसमें भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो गूगल ड्राइव में एक्सेल स्प्रेडशीट जिसमें भी उसमें ना जो फील्ड्स हैं आपने जो कॉलम्स हैं जो आपने डाटा कलेक्ट करना है वो वेरिएबल्स जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन करो अगर आप सोच रहे हो ना कि दस चीज़ें आपने देखनी है तो बीस देखो पच्चीस देखो ज्यादा से ज्यादा देखो इशू ये होता है कि लेट्स से आपने डाटा कलेक्शन की है सौ पेशेंट्स की दो सौ पेशेंट्स की और आपने दस चीज़ें लिख ली हैं उसमें एज जेंडर आ, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर और कोई लैब फाइंडिंग या कुछ भी बाद में आता ओह मैन वो दूसरी चीजें मिस हो गई वो मैं देखनी चाहिए थी फिर आप दोबारा जाते हो वो एक दो और नई चीज़ें ऐड करते हो पूरी एक्सेल शीट में आपने दोबारा सारा चार्टी बोलना है

लेकिन अगर आपने देखा नहीं ना तो बार फिर दोबारा जाना इस तरह आपके प्रोजेक्ट लटक जाते हैं और एक महीने में जो प्रोजेक्ट खत्म होना था वो साल डेढ़ साल लग जाता है जब उसे साल डेढ़ साल लगता है तो उसके पब्लिश होने के सबमिट होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं इवेंचुअली फेड हो जाता है सारा राइट आप जब एक रिसर्च शुरू करते हो तो एक हनीमून पीरियड होता है पहले दो तीन महीने आप बड़े एक्साइटेड होते हैं जब सालों लग जाते हैं ना जो कि अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए राइट अगर आपको पता लग गया यार ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था दो तीन साल हो गए इसका कुछ नहीं होना तो फिर वो कहीं नहीं जाता यू कैट पब्लिश इट यू कैंट डू एनी तो कोशिश करो चीज़ों को फोकस ये करो कि खत्म हो जाए जल्दी क्वालिटी पर भी फोकस हो लेकिन खासतौर पर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू रैप अप योर प्रोजेक्ट्स यू डू एवरीथिंग इन टाइम तो लो जी आपने सारे वेरिएबल्स को देखा है फिर आपने स्टेटिस्टिक्स किए हैं जैसे मैंने ज़्यादातर बताया एटलीस्ट फॉर न्यूमेरिकल डाटा जो है वो आप पीयर टी टेस्ट लोगे लो फॉर मीन और वेरियंट के लिए आप एफ टेस्ट या नोवा लिख लोगे तो फिर आप उसकी बेसिस पे अब आपने अपने मेटीरियल मैथड्स देखना है ना और उसके मुताबिक रिजल्ट लिखना शुरू कर दिए रिजल्ट में पहले तो सारे लोग जो होते हैं ना वो पेशेंट डेमोग्राफिक्स पे लिखेंगे एज इतनी थी स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग तरीका किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का ये होता है कि यू रिपोर्ट के मीन वॉज दिस एंड टू स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज जो है मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन

और वो डिस्कशन आप लिखोगे डिस्कशन का लास्ट या सेकंड लास्ट पैराग्राफिक डिपेंडिंग ऑन आपका जनरल जो है वो कंक्लूजन का सेपरेट सेक्शन uh, मांगता है या वो लास्ट पैराग्राफ होगा आप लिमिटेशन देखते हो लिमिटेशन ये कि लेट्स से अब आपने सीखा गया अपने प्रोजेक्ट से आप दोबारा ये प्रोजेक्ट करने बैठो या आपके पास बहुत सारा पैसा बहुत बड़ी फंडिंग हो और आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल हौ में हो या पूरे आई डोंट नो योर प्रेजिडेंट ऑफ एन सोसाइटी और आप ये प्रोजेक्ट करो तो आप क्या डिफरेंट करोगे तो उसमें ज़्यादातर यही होता है कि दिस वॉज सिंगल सेंटर स्टडी आई वुड प्राउडी डू अ सेंटर स्टडी टू द रिजल्ट अगर आपका कोई सैम्पलिंग है तो वो बताओगे एक सैम्पलिंग बायस है तो ये बताओगे कि भाई हमने एक हॉस्पिटल एक से डाटा कलेक्ट किया है सिर्फ हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नहीं है ये सारे पाकिस्तान के लोग हैं हमारे पास एक वाइट uh, ब्लैक ब्राउन लटिनो हर किस्म की डाइवर्स डेमोग्राफिक नहीं है एक सोशो इकनॉमिक स्टेटस तक कम लिमिट होकर रह गए या प्राइवेट प्रैक्टिस में आप हो तो हायर सोशल इकनॉमिक स्टेटस से सिर्फ आपका हो रहा है डाटा कलेक्ट तो आपके पास ये चीज़ें आप बताओगे जो जो चीज़ आप बेहतर कर सकते हो इम्प्रूव कर सकते हो अच्छा अगर आपकी कोई मयर मन प्रायस था तो वो एड्रेस करोगे और उसमें जितना आप ऑनेस्ट होगे ना उतना अच्छा वरना आपको रिव्यूअर्स बाद में रगड़ देंगे और आपको वो चीज़ें लिमिटेशंस में ऐड करनी पड़ेगी तो बेहतर ये है कि खुद ही बी ऑनेस्ट जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से तीन चार पाँच लिमिटेशंस डाल सको उससे ये होता है कि जो बंदा दोबारा उस पर रिसर्च कर रहा है आपके पेपर पब्लिश बढ़ोने के बाद तो वो वो गलतियाँ नहीं करता उससे बेहतर काम करता और आप जो खुद दोबारा अगर करोगे तो यू इट्स ईजी फॉर यू टू लुक बैक अच्छा अच्छा ये ये चीज़ें थी वी शुड हैव नॉट डन इट और डन इट बेटर लोगों को पता लगता है कि अच्छा मल्टे सेंटर स्टडीज राइट तो मल्टेस्टेंटर स्टडी चाहिए तो वो करते हैं तो अगर आप कर रहे हो तो जेनली दिल से कोशिश करो कि सही रिसर्च करो दो नंबर रिसर्च ना हो रट कोशिश ये करो कि उससे वाकई मेडिसिन का फ़ायदा हो इंसानियत का फ़ायदा हो आपको एहसास नहीं होता लेकिन लाम यानी आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकती हुई है आप डिस्कवर कर रहे हो कि आपकी रिसर्च से वाकई इंसानियत का फ़ायदा होगा ही नहीं इसी तरह कोविड का इलाज आया और बाकी जितनी भी बीमारियाँ हैं सबके इलाज इसी तरह होते हैं तो प्लीज डू इट सीरियसली डू इट ऑनस्टली डू इट एथिकली डोंट कुकअप एवर खुदा के उससे ज्यादा बुरी और गलत बात कुछ नहीं होती अगर आप पकड़े जाओ तो यू विल नॉट ओनली गेट फाइट बट गेट बैंड फॉर लाइफ प्रेटी मच जर्नल्स आपके पेपर्स निकाल देंगे और बहुत से इशूज हैं लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली प्लीज ना करना कभी माई कैन नॉट टेल यू कितने ज्यादा उसकी बुरी होती हैं डोंट कुक अप डाटा बी वेरी ऑनेस्ट जो है so है सो और खाली पॉजिटिव रिजल्ट पब्लिश नहीं होता नेगेटिव रिजल्ट भी पब्लिश होता है और नो no रिज़ल्ट भी पब्लिश होता है इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल रिजल्ट भी पब्लिश होता है कि देखो पॉजिटिव का मतलब है कि अगर एक लेट्स से स्मोकिंग स्मोकिंगजेस कैंसर राइट लंग कैंसर तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट है uh, तो नेगेटिव ये ना कहना कि नहीं मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही देखना है नेगेटिव अगर आपका है कि लेट्स से Uh, exercise prevents hypertension right something like that the p value is or even if it's like uh, something completely um, unrelated eating ice creams has no effect on lung cancer uske chances publish hone ke kam but that is still an honest research Usko bhi usi present karo. don't try to cook up stuff don't try to make up stuff और अच्छी जगह पब्लिश होंगे वरना आपको जो जो कुछ आप सीख रहे हो ना इस सारे से, मेरे पहले दो तीन जो प्रोजेक्ट थे उनका कुछ भी नहीं बना आज तक नहीं बना लेकिन उनसे जो कुछ मैंने सीखा वो लेटर जो रिसर्च प्रोजेक्ट थे उन पर बहुत हेल्प हुई और वो सारे पब्लिश हो गए लास्ट बात मैं ये कहूँ यार देखो हम लोगों को पता नहीं होता पेपर जो हैं लिखने कैसे हैं तो ये तो मैंने बेसिक आपको लेआउट बता दिया है ये सब कुछ जब आप कर लोगे तो फिर आप इंट्रोडक्शन की तरफ आओगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्या अब इंट्रोडक्शन जो है आपका वो रिजल्ट और डिस्कशन आपको पता है क्या लिखिए उसके मुताबिक आप लिखोगे अच्छा इंपॉर्टेंट बात यार ये है कि देखो आपने ना डिस्कशन में फिर भी बात कोई कर सकते हो खुद से इंट्रोडक्शन में खास तौर तो पे आपने कोई भी बात खुद से नहीं करनी हर वो बात होनी चाहिए एक एक जुमले के लिए आपके पास रेफरेंस होना चाहिए किसी ना किसी पेपर का तो आपने लट से पंद्रह जुमले लिखे हैं ना तो वो पंद्रह के पंद्रह जुमले जो हैं वो आप किसी पेपर को रेफर कर रहे हो ठीक है अब आ जाता है भाई साइटेशन आप कैसे कर सकते हो तो एंड नोट एक आ, प्रोग्राम रेफ है रेफ इज़ फ्री और सारा क्लाउड बेस्ड है एंड नोट आपके कंप्यूटर बेस्ड होता है और उसकी आपको मेरे ख्याल सौ डॉलर देने पड़ते हैं आई स्टार्ट विद एंड नोट एट रिसर्च तो आई लाइक इट लेकिन उसके पैसे देने पड़ रहे थे तो उस वो क्या था ज़ेरा था मैंने कर लिया लेकिन बाद में मैं तब से आज तक रेफर यूज़ कर रहा हूँ रेफर्क फ्री है और सारा क्लाउड बेस्ड है आपका कंप्यूटर बदल गया है आप कहीं भी हो तो यू कैन स्टिल यूज़ इट तो आपके ऊपर है अच्छा ये सारी बातें जो मैंने बताई ना ज़्यादातर इनमें से ये मेरी वेबसाइट पे भी हैं तो चेक इट आउट मेट uh, और मैंने डोमेन ख़रीद लिया तो वेरी सुन उमर तारीख डॉट कॉम भी हो जाएगा तो मेडिडिया डॉट कॉम पर जाके रिसर्च के सेक्शन में देखना काफ़ी सारे और चीज़ें हैं और उसमें मैंने कुछ रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं थिंग्स यू नीड टू लुक एट थिंग्स यू नीड टू नो फॉर रिसर्च कुछ आपको ऑनलाइन फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं हर हर यूनिवर्सिटी के होते हैं हॉपकिंस के ए एल के यू सी एस एफ के हार्वर्ड के और वो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं उसके अलावा आप देखो डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वट आई एम टेलिंग यू आई ओनली नो वट आई हैव रेड

पिछले दो पब्लिकेशंस जो हुई हैं जर्नल्स में या पिछले दो जो जर्नल्स आपके इश्यूज आए हैं उनमें लेट्स से यू लुक एट ट्वेंटी एंड यू रीड देम एंड यू अंडरस्टैंड अच्छा अच्छा ये इनका फॉर्मेट है इस तरह मैंने लिखना है और इस तरह की ये इन टॉपिक्स पर पब्लिश हो रही हैं चीज़ें इस पेपर में तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू हेल्प अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट इन इट शायद थोड़ी लंबी होगी लेकिन इट वॉज ऑल नीडेड शायद इसमें जिस तरह छोटे छोटे uh, जो फर्दर सबसेक्शंस हैं स्टेटिस्टिक्स हो गई रेफरेंसेस लुकअप करना या और चीजें इन पे आई माई डू समर वीडियो समा बट आई थिंक एट लीस्ट इट्स अ गुड वो गेट स्टार्ट फॉर यू गैस चलो इफ यू थिंक दिस वीडियो हेल्प यू तो लाइक इट सब्सक्राइब टू द चैनल गिव हो लूज होप बा